चावा डेयरी में एक लड़की की हत्या कर दी गई जिसकी उम्र महज 16 साल थी। और इसमें एक के बाद एक कई किरदारों का नाम आ रहा है। एक किरदार है नाम झवरू उर्फ अजय, या कह लीजिए अजय उर्फ झवरू। लोग ये कह रहे हैं, मेरी कुछ नाबालिग बच्चों से बात हुई, उनका चेहरा हम नहीं दिखा सकते, उनका ये कहना है कि झवरू की मुलाकात 10 दिन पहले उस लड़की से हुई थी। दिन पहले से वो नहीं हुई है, वो मेरे पास 27 तारीख को आई थी। उसने बोला कि भैया ऐसी ऐसी बात है, एक लड़का मेरे को टॉर्चर कर रहा है और धमकी दे रहा है, बदमाश हूँ मैं, ये हूँ वो हूँ। तो हम उससे आए थे और मिले थे, उससे ओनली मैंने यही बोला था कि भाई लड़की को तुम क्यों टॉर्चर कर रहे हो, बात खत्म करो यहीं पर ही। इतनी बात करने के बाद हम वहां से आ गए थे, तो फिर अगले दिन उसका मर्डर ही करा उसने, यही बात। हाँ, जब उसका मर्डर हुआ उसकी जान गई, उससे पहले आखिरी बार आपकी बातचीत लड़की से कब हुई थी? आखिरी बार सर कोई बातचीत मेरी कॉल वगैरह पे कोई बात नहीं हुई, वो फेस टू फेस आगे मिली थी। 27 तारीख को आपकी बातचीत हुई थी? हाँ जी। कुछ करीबी लोग हैं लड़की के और जो साहिल था जिसने हत्या की, दोनों करीबी, उनका ये कहना है कि झवरू और साथ में एक लड़की जिसका नाम बताया जा रहा है, दोनों मिलकर धमकाने के लिए साहिल के पास पहुंचे। धमकाया किसी को नहीं, अब देखो ऐसे फंसाने के लिए तो दुनिया बातें बनाती है कि हम मर रहे हैं तो इसको भी मरवाएं, ठीक है, ये तो दिल्ली की रिवाज है, एक मर रहा तो दूसरे को लेके डूबे हम, ऐसा कुछ नहीं था। हम उससे मिले थे, वो यहाँ पे 15-17 लड़के लेके खड़ा था, तो उसने वोस्ट वांटेड भी बताया मेरे को। मैं वोस्ट वांटेड होता तो मैं गलियों में नहीं घूमता भी, मैं यहाँ पे नहीं आता, मैं अपना अंदर ही रहता, भागता कहीं, ठीक है, मैं अपना काम धंधे वाला आदमी, अपना काम धंधे से ध्यान रखता हूँ बस। साहिल से पहले कभी आपकी बातचीत थी, परिचय था? पहले कभी बातचीत नहीं थी, बाकी यहीं पर ही घूमते रहते थे, मिलते थे बस। साक्षी से जो लड़की थी जिसकी मौत हुई, हत्या कर दी गई, उससे कोई बातचीत पहले हुई? उससे मेरी कोई बातचीत आज तक भी फोन पे बात नहीं हुई थी मेरी, परसों तक भी, तो वो 27 तारीख को फेस टू फेस ही मिली थी। 27 मई? हाँ जी। तो फिर उसके बाद 28 तारीख को उसका मर्डर ही कर दिया उन्होंने। अब कैसे किया कैसे नहीं किया अभी तो देखो क्या जाने। अच्छा, जब लड़की आपके पास आई तो बहुत घबराई हुई थी, क्या उसका हाव भाव कैसे थे, क्योंकि आपकी उससे मुलाकात हुई है? बैठी हुई थी मेरे पास, आके बैठी थी, तो उसने मेरे को पूरा एकदम आराम से बैठ के रिलैक्स होके बताया था कि भैया ऐसी ऐसी बात है और एक लड़का मेरे को टॉर्चर कर रहा है। मगर भाई कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। तो लड़का यहाँ पे खड़ा था, तो हम आए थे, हम तीन ही आए थे, अपर जो हम मारने धमकाने उसको आते तो मैं भी उसकी तरह गैंग लेके आता, ठीक है, वो दोनों लड़की थी मेरे साथ और मैं था बस। और जो लड़की आपसे मिलने पहुंची, वो किसी के थ्रू आपसे मिलने पहुंची या क्या, उसका परिचय आपसे कैसे हुआ? भावना और वो लड़की आई थी, भावना मृतका को आपके पास लेकर पहुंची थी? हाँ, भावना मेरे साथ की लड़की है। ये बात पूरी तरीके से गलत है कि आपने और भावना ने मिलकर एक दिन पहले साहिल के ऊपर कट्टा ताना, कोई बंदूक उसको धमकाने की कोशिश करी? कट्टा बंदूक होती तो सर ये बताओ ना मैं यहाँ होता क्या? अब उसके पास चाकू था तो उसने चाकू उस लड़की को मार दिया, मेरे पास कट्टा बंदूक होती तो मैं भी मार सकता था उसको वहीं, ये तो बात है। धमका था क्यों मैं, और धमका तो सर है भी नहीं उसको, कोई बात ही नहीं हुई ऐसी कोई, ये सब। तो साहिल ने क्यों मारा लड़की को, मारा क्यों आपने, क्योंकि उस लड़की से भी बात की है और आपने साहिल को भी समझाने की कोशिश की? साहिल को गलत लगा हुआ उस लड़की के और मेरे बारे में कि कुछ गलत मैटर चल रहा है, हो सके ये गलत फहमी उसको हुई होगी, क्योंकि उसने आते ही मेरे को भाई ही बोला था और मैं उसकी मदद ही करना था, पर जो किसी की मदद करना गुनाह है तो आगे से नहीं करेंगे। आपने साहिल को समझाने की कोशिश करी, क्योंकि ये बताया करी थी कि भाई देखो इसको लड़की को टॉर्चर मत करो, इसका पीछा छोड़ दो, अपना बात खत्म करो बस। उसके साथ 15-17 लड़के और भी थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, साहिल ने भी वहाँ पे कुछ नहीं कहा, तो हम आ गए थे घर। मृतका जब उस गली से गुजर रही थी तो उसने फोन करके उसको बुलाया था या उसका डेली रूटीन था वहाँ से आना जाना, तो उसने घेर के उसको मारा? अभी देखो इस चीज का तो मेरे को पता नहीं उसका डेली रूटीन था क्या था, लेकिन सुनने में ये आई है वो फ्रेश होने के लिए गई थी, यहीं पर ही शौचालय है, उसी शौचालय में फ्रेश होने के लिए गई थी और वहीं पर उसको वो लड़का भी मिल गया और उसने ये काम करा। एक नाम आ रहा है नीतू का, नीतू को कब से जानती थी मृतका? अभी ये तो पता नहीं सर, वो सुनने में भी आया कि नीतू के साथ ही रहती थी वो। हाँ जी।